मैं महिपाल मकराना राजपूत कर्णी सेना का अध्यक्ष। अभी अभी कोई कोई शाम को दोपहर में अभी कोई कोई प्रेस वार्ता हुई है राजपूत कर्णी सेना के नाम से। जितेंद्र कारंगा हमारा जो प्रदेश महासचिव खुद को बता रहा है, हम उसको अभी के अभी अनुशासनहीनता के चक्कर में अभी के अभी पदमुक्त करते हैं। जो कर्णी सेना ने डिसीजन लिया है वो मैं खुद उसमें संघर्ष समिति के डिसीजन में, समाज के डिसीजन में साथ था। समाज ने जो भी निर्णय लिया उसके साथ कर्णी सेना खड़ी रहेगी और हमें इस बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देना है। क्योंकि जो आनंदपाल इनकाउंटर में, सावराज में और जो जो घटनाएं हमारे युवाओं के साथ हुई, वो समाज कभी उसको भूल नहीं सकता। पद्मावती में, पद्मावती के नेशनल ये बैन नहीं लगा रहे। मैं केवल यही बोलना चाहता हूँ, मेरे जितने भी युवा मेरे साथी हैं, अभी के अभी इस ऐसी कोई भी व्यक्ति जो इस तरीके की अनुशासनहीनता करे, उसको अब भी वो मेरी कर्णी सेना से पद मुक्त समझे। और सीधा सीधा सबसे रिक्वेस्ट है, आप कहीं भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। राजपूत कर्णी सेना समाज के साथ है, समाज के समर्थन के, समाज के निर्णय के साथ है। जब खुद कालवी साहब हर एक समाज के निर्णय के साथ खड़े जो खुद बीजेपी में है, जब एक कहां बात आ जाती है हर किसी की, तो मेरा निवेदन यही है, जहां समाज जो निर्णय लेगा हम उसके साथ है। दोनों एमपी चुनाव में इस बीजेपी को वो सबक सिखाएंगे कि आने वाले दिनों में ये याद रखेंगे, जिस राजपूत समाज ने इस बीजेपी को खड़ा किया उसकी अनदेखी इनको भारी पड़ेगी। केवल यही निवेदन है, सभी ये मैसेज फॉरवर्ड करें। जय माता जी की, जय चार बुजुर्ग।